अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अभी सूरज निकलने वाला है, आपको सूरज निकलता दिखाता हूँ और आज की जो देहात की रूटीन होती है, सुबह की रूटीन, वो आपसे शेयर करूँगा और आपको कुछ देहात के जो मनाजिर होते हैं सुबह के वक्त के बाहर के, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सूरज निकल रहा है। गांव की जो सुबह है वो कुछ इस तरह से है। भाई सादिक जो है वो उठते ही जानवरों के लिए चारा तैयार कर रहे हैं। पहली पानकट्टों के लिए मिक्स किया जा रहा है खुरली के अंदर ही। और दूसरी तरफ चारे की कुतराई शुरू है। परिंदों की आवाजें ये जा रहा है। बिल्ली भी साथ साथ फिर रही है। और ये बिल्ली मजे से फिर रही है। फाइनली गाय को चारा डाल दिया गया है। अब तमाम जानवर मजे से चारा खा रहे हैं। सफाई शुरू कर दी है जानवरों की। जो जानवरों के नीचे गोबर वगैरह होता है वो सारा साफ किया जाता है और उसके बाद इसके नीचे खुश्क मिट्टी है जो वो डाल दी जाती है। अधु और छोटा शहजादा जो हैं वो अभी तक सोए हुए हैं। ये रात लेट तक जागते रहे हैं तो अभी तक ये सो रहे हैं। ये जो अम्मी ने सेटअप बनाया हुआ है ये लस्सी के लिए है। अब लस्सी जो है अम्मी ने बनाना शुरू करनी है। ये जो नज़र आ रही है ये मटूरी या मटका इसको कहते हैं, और जैसे अम्मी लस्सी बना रही है इसको कहते हैं झेलना, घेरना। और ये आवाज़ देखें किस तरह से आती है मटूरी में से।
किया है। लस्सी तकरीबन तैयार हो गई है, अब अम्मा मक्खन निकाल रही है। वाह जी वाह, बहुत ज्यादा मक्खन निकला है, क्या ही बात है। अब ये गोल पेड़ा बन जाएगा इस तरह से। चलो ठीक है, ये देखिए मक्खन का पेड़ा निकला है। अब अम्मी लस्सी गिलास में डाल रही हैं। और साथ में अम्मी जान थापियां बनाने में मसरूफ। टन ने उठते ही कपड़े धोना शुरू कर दिए हैं। अभी हम निकल आए हैं बाहर गांव की तरफ खेतों में, और ये अभी बाकी है। इसको काटना शुरू किया गया है और इसकी गठड़ियां बनाई गई हैं। दानियाल जो है आज बाइक चला रहा है यहाँ से रेत के अंदर गहरा में। दानियाल की ड्राइविंग का टेस्ट हो रहा है आज। दानियाल बाइक कैसी चलाता है, कहाँ गिराएगा मुझे, गिरा नहीं देना। फसल गंदम के साथ साथ ये सब्ज फसल भी काफ़ी है यहाँ पे, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू नज़र आता है। ये दूर से दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये दरख्त काफ़ी दूर हैं। ये जो फसल आपको दिखा रहा हूँ ये मकई की फसल है, मकई काश्त की गई है। ये जी घोड़े की वीडियो बहुत तेजी के साथ आ रहा है। घोड़ा द्वारा माशाल्लाह जबरदस्त चलने लगा। वो थोड़ी ठेस ना आखे बाबा घोड़ा बहुत सोना चल रहा है। और अभी हम पहुंच आए हैं सूरजमुखी की फसल में। आपको सूरजमुखी का फूल दिखाता हूं और बताता हूं कि इसको सूरजमुखी क्यों कहते हैं। चंद फूल निकले हैं, बाकी फूल अभी निकलने हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से खूबसूरत लुक देता है। दूसरा फूल ये निकला हुआ है, बाकियों के मुंह बंद हैं लेकिन इनके अभी मुंह जो हैं वो बने हुए हैं, मुंह यानी के मुख। ठीक है, सूरजमुखी इसको शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि मुंह मुखी, मुखी का मतलब होता है मुंह, चेहरा। सराइकी में मुंह कहते हैं, उर्दू में चेहरा कहते हैं, फेस। सूरजमुखी सूरज की तरफ मुंह करने वाली ये फसल या ये फूल ऐसा है कि जब सूरज निकलता है तो ये मशरक की तरफ मुंह कर लेता है, फिर जैसे जैसे सूरज गिरता जाता है तो ये भी अपना रुख तब्दील करता जाता है। तो शायद इस वजह से इसका नाम वर्ल्ड वाइड जो है वो सूरजमुखी रखा गया है, और इसको इंग्लिश में भी सनफ्लावर कहते हैं। दोबारा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि वो जो घर वाली रूटीन है वो कहीं मिस ना हो जाए, वो भी आप लोगों को दिखानी है, तो इसलिए अब हम घर की तरफ चलते हैं। अम्मी जो है वो अभी चाबियां बनाना शुरू कर दी हैं। अम्मी ने ये ज़रा दिखाएं, अम्मी
ये देखें, ये रोटियां रखने के लिए चाबियां जो बनाई जाती हैं वो अम्मी घर में बनाती हैं। अब जो है जब घर के लिए ज़रूरत होती है तो वो बनाती है अम्मी। अम्मी कहने के थे बने पे वे कारी साहब के लिए बना रहे हैं, छोटे भाई के लिए। ये जो है अम्मी ने पहले बना के रखी हुई हैं। शुरू शुरू में इनकी लुक बड़ी खूबसूरत होती है, बाद में जब ये मैली हो जाती हैं तो फिर थोड़ा अजीब सा दिखती हैं। ये निशु अभी तक सोया हुआ है, इसने आज नहीं उठना। ये तंदूर, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं और हमारा घराना जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए बड़ा तंदूर जो है वो लगाया जाएगा अब इस गर्मियों में। जैसे गर्मियां आ रही हैं तो फिर ये बड़ा तंदूर लगाया जाएगा, जो अंदर से लगाने से पहले कुछ इस तरह से होता है। तो हदू और दानू नाश्ते के लिए आ गए हैं। टाइम 8 बजने वाले हैं और ये शहजादा अभी तक पड़ा हुआ है। फाइनली ये लोग नाश्ता करने लगे हैं। इन्होंने नाश्ता किस चीज़ से करना है, लस्सी है, पराठा है, सालन है और साथ में है मक्खन, और बड़े मज़े से कर रहे हैं नाश्ता ये लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो का करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अदू आप भी हाथ लाओ, बाय बाय कर दो बाबा, थैंक यू। दानू आप भी, और ये शहजादा अभी तक भी सोया हुआ है। अल्लाह की अमान, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।